दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बता दें आपको कि जामिया इलाके में फिलहाल शांति की खबर सामने आ रही है। 5 जनवरी तक जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी को बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा देर रात 50 छात्रों को भी पुलिस ने रिहा कर दिया, जिसके बाद दिल्ली के आईटीओ पर पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर हो रहे प्रदर्शन को फिर सुबह 4 बजे रोका गया, थामा गया। इस तरह से दिल्ली की इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जामिया इलाके में फिलहाल शांति का माहौल बताया जा रहा है। कल सबने देखा कि कैसे वहां पर आगजनी की घटनाएं हुई, कैसे वहां पर बवाल मचता रहा कई घंटों तक। जामिया इलाके की सड़कों पर तांडव होता रहा, कई बसें फूंक दी गई। बता दें आपको कि मेट्रो संचालन भी एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जो कि गंभीर स्थिति को देखते हुए रोक दिया गया था। और इस तरह से जामिया के 50 छात्रों की रिहाई के बाद तड़के 4 बजे पीएचयू हेडक्वार्टर के बाहर भी प्रदर्शन खत्म कर दिया गया। बता दें कि जामिया में हुई झड़प में 6 पुलिसकर्मी और 11 छात्र घायल हुए हैं। 24 छात्रों को हल्की चोटें आने की भी खबर है। जामिया में बवाल के चलते दिल्ली के 15 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए और यहाँ मेट्रो अब नहीं रोकी जा रही थी, लेकिन फिलहाल स्थिति पूरी तरह से नियंत्रित कही जा रही है, शांति का माहौल कहा जा रहा है।